इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर एक बार बताइएगा, आपने जो वैकेंसी बताई थी हमने वैकेंसी भरी है, हम जॉब भी कर रहे हैं, 7 महीने हो गए पर हमको सैलरी नहीं मिल रही। बात कर रहा हूँ एडिट कॉलेज के अंदर चपरासी भर्ती की, तो उनको सैलरी 7 महीने हो गए हैं और लड़का है, लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर एक बात आई सैलरी कब मिलेगा हमको, कंपनी से बात भी करी है, JD ऑफिस गए, DI हाउस ऑफिस गए, कुछ होने वाला नहीं है। तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने करियर प्लान चैनल। बात करेंगे यहाँ पर जो ये यहाँ पर 3 भर्ती जो आने वाली है कम से कम 50,000 पदों पर अब है ना, वो उसके फॉर्म आपके 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 मई अगले महीने की 7 तारीख से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत जो आपका जो है ये मैंने आपको बताया 10th पास अगर आपने कर रखा है तभी आप वीडियो देखिए, अन्यथा वीडियो ये आपका काम का नहीं है। मैं रियल आपको बता रहा हूँ कि भाई 10th पास अगर कर रखा वही ये वाला वीडियो आप देखिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर जो है ये SSC MTS आपका हवलदार 10th पास आप सभी जानते हैं है ना, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी 7 मई से इसको जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग जो है 5,000 पदों पर वैकेंसी इसमें जो है आने वाली है और आपका जो है ये मैंने आपको बता दिया ठीक है। बात करेंगे जो रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी भर्ती का भी जो है नोटिफिकेशन, आपका अपकमिंग वैकेंसी बता रहा हूँ, लड़के कमेंट करें सर एक बात है अपकमिंग वैकेंसी कब आई थी, 2018 में आया था ग्रुप डी, कम से कम 25,000 पदों पर। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके ट्रैकमैन होते हैं, गैंगमैन होते हैं, हेल्पर होते हैं और आपका जो है ये रेलवे के जो आपका अस्पताल होते हैं, तो यहाँ पर जो वैकेंसी आ गई है तो कहने मतलब जब आएंगी तो हम फॉर्म भरेंगे, तो उसमें 10th पास अगर हम 10th पास कर रहा तो भाई जरूर ये वाला फॉर्म आप जरूर फिलअप कीजिए, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला है नहीं। 2018 भर्ती आई थी, उसके बाद भर्ती जो है वो नहीं आई हुई ठीक है, बता रहा हूँ मैं इसमें जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ये, इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये डिफेंस है ना, कांस्टेबल GD डिफेंस की वैकेंसी है ये, उसके अंतर्गत भी आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है डिफेंस के अंतर्गत, या आपका जो है CRPF BSF आपका जो है ना IT BP है ना, IT BP हो गया, SSB हो गया और आप जो CISF 10th क्लास पास अगर आपने कर रखा तो डिफेंस के अंतर्गत लगभग जो है अभी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कम से कम 10 साल का 20 साल का वैकेंसी 25,000 से नीचे तो आती नहीं है, 25,000 कभी 40,000 45,000 50,000 वैकेंसी इसमें जो है वो आ जाती है यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से वैकेंसी आप देख लीजिए ठीक है। कम से कम जो वैकेंसी आपकी जो है ये इतनी 25,000 से 50,000 के बीच में वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलने वाली है SSC के अंतर्गत। यार एक बार बताइए SSC MTS हो गया, इसके बाद जो है आपका जो है डिफेंस के अंदर कांस्टेबल GD हो गया, इसके बाद आपका जो एक ग्रुप डी वैकेंसी है 10th लेवल का ठीक है। और भी आपने देखा, अगर आपको बिलीफ नहीं है ना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दोपहर के वीडियो में विज्ञापन जारी हो चुका, 506 पद हैं, कौन कौन से CRPF के हो गए, ITBP हो गया, आपका CISF हो गया, BSF हो गया, वैकेंसी आ चुकी है, बिलीफ नहीं है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आई बटन में क्लिक कीजिए। अभी देखिए जस्ट अभी 24 तारीख का विज्ञापन जारी हुआ, बहुत से बच्चे देख भी चुके होंगे दोपहर के वीडियो में है ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, दोपहर के वीडियो में देख चुके होंगे। बात करेंगे आप जो ये एडिट कॉलेज के अंदर 7 महीने हो गए जॉब करते करते, अब जो आपकी जो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे जो जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है इन्होंने फॉर्म भरा था, लिस्ट में नाम है, उनका ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं मिला, बहुत से बच्चे ऐसे जिनका इंटरव्यू हो चुका है, ज्वाइनिंग उनको कब दिया जाएगा, लड़के कमेंट कर रहे हैं सर एक बात बताइएगा हमको जो अपकमिंग जो वैकेंसी आएंगी वो कौन कौन सी रहेंगी, और साथ में जो GIC के अंतर्गत मतलब कौन वैकेंसी आने वाली है उसकी क्या क्या योग्यता रहेंगी है ना, पैट लगेगा या नहीं लगेगा, शिक्षा विभाग के अंदर क्लर्क भर्ती आएगी GIC के अंतर्गत तो उसमें पैट लगेगा या नहीं लगेगा, ढेर सारी जो है कमेंट लिख देते हैं, उसका मैं एक स्पेशल वीडियो में मैं सोच रहा बना दूँ, मैं अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है ठीक है, तो सबका मैं एक बार जितने भी कमेंट होंगे उसको लिखने के बाद जो है और जो इसके बाद सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे जो है ये, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप GD ऑफिस जा चुके हैं है ना, आपको जो GD ऑफिस गए आप DI ऑफिस में गए ठीक है, वहाँ पे अगर काम नहीं हो रहा आपको जो है तो CM पोर्टल पर कमेंट कीजिएगा है ना, वो CM पोर्टल पे क्या होता है डायरेक्ट आपका जो है कंप्लेंट पहुंच जाती है, वहाँ से फ़ोन आता है सीधे आपके जो है सैलरी इशू आपकी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं उनका सैलरी नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है ये UP के वैकेंसी आप सभी जानते हैं, आप जैसे नगर निगम हो गया और भी कई सारे जो है डिपार्टमेंट हैं जिसमें लड़के जो लगे रहते हैं 3-3 महीने हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, सैलरी उनका नहीं इशू होता है, मैं आपको बता रहा हूँ जो है, पर वो कैसे होगा मैंने आपको बताया था कि भाई एक अगर आप पहले ऑफिस में जाके मिल लीजिए, उनको बोल दीजिए कि भैया देखो अगर आप नहीं अगर कुछ करने वाले हैं तो हम ही भाई नहीं कुछ करेंगे, पोर्टल पे भाई लिख दीजिएगा, पोर्टल पे आप जो कमेंट कीजिएगा सर हमारा सैलरी नहीं है, 7 महीने हो गए कंपनी ने सैलरी दे रहे हैं, बहुत से बच्चे इसमें ऐसे जो 1-1 लाख रुपये देकर लगे हैं मेरे पर कमेंट करते हैं सर मैंने तो चपरासी भर्ती के लिए 1 लाख रुपये दे दिया, तो हम क्या करें भाई दे दिया, तो मैंने आपसे बोला था कंपनी वालों ने अगर ठेका सरकार से लिया है तो भाई
भर्ती तो होनी होनी है, ऐसी बात नहीं है कि भर्ती नहीं होगी, भर्ती तो होगी, पर मैंने कहा थोड़ा सबर रखिएगा, सबर का फल मीठा होता, पर आप माने नहीं, तुरंत जाके भैया हमको वैकेंसी मिल रहा है, वो मिल रहा है, आप बताइए किसी लड़के ने अगर 50,000 भी दे दिया होगा, उसका तो 7 महीनों की सैलरी दिया नहीं है, अगर वो देगा तो उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वही आपको निकाल कर दे देगा, ये चलता है इसमें ज़्यादातर आउटसोर्सिंग में, पर आपको ध्यान है नहीं, पर बहुत से बच्चों ऐसे कर सैलरी आ चुका उनका जो है, बहुत समस्या ये रहती है कि सर हमको जो सैलरी जो है 11,000 बताया गया था, सैलरी मिल रहा 8,000 रुपये, बताइए हम क्या करें, घर का परिवार कैसे चलाएं, बीवी बच्चे वगैरह हैं तो 8,000 में कैसे पल पाएंगे, सही बात है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा यार जो वैकेंसी अभी आने वाली है वो भी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी रहेंगी, पैट लगेगा या नहीं लगेगा, बात करेंगे यहाँ पर जो ये कि यार एक बात बताइएगा कि 7 महीने सैलरी उनको नहीं मिल रहा, काम कर रहे हैं, कुछ लड़के छोड़ने को तैयार है कि यार एक बात बताइए, जो इंसान मजदूरी करता है उसका भी जो है सुबह मजदूरी करता है, शाम को उसका पेमेंट हो जाता है, आपके यहाँ भी यार मकान वकान बनते हैं, प्लॉट बनते हैं, आपने बनवाए होंगे, नींव भी बनवाई होगी, उसमें भी जो मजदूर काम करता है ना उसको तुरंत शाम को पैसे चाहिए, ऐसा नहीं होता एक महीने बाद दो महीने बाद, ऐसा नहीं, एक महीने छोड़िए वो दो दिन भी नहीं रुकेगा, पैसा चाहिए उसको, ठेकेदार के अंडर में होगा तो ठेकेदार देगा उसको, देगा है ना, ऐसा नहीं है आप अरे 6-7 महीनों हो गए सैलरी नहीं पता आया तो टेंशन तो रहेगा ना कि यार बताइए सैलरी कब आएगा, प्रॉब्लम है ना, तो उसके बारे में बताएंगे। एक बात और बता रहे हो, GIC के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है, लोक सेवा की तरफ से इसका विज्ञापन निकाला जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्योन वैकेंसी है, क्लर्क का साथ में जो टीचर की अल्टीग्रेट भर्ती, जिस तरीके से 2018 में भर्ती आई थी जो है आपकी, आपकी टीचर की भी थी उसमें अल्टीग्रेट की भी थी, उसी तरीके से इसमें भी आपको देखने को मिलने वाली, ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ कि भाई टेंशन फ्री रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है, और मैं हमेशा अपडेट दूँ, समय समय पर देता रहता हूँ, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं क्या बोलूँ उनके बारे में, वीडियो पूरा देखेंगे कब मारेंगे पर वीडियो लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करते हैं, और ऐसे लड़के अगर मिल गए ना मुझे स्टेशन पे या रोडवेज पे तो फोटो जरूर खींचाऊँगा, चिंता मत करो, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है ऐसे लड़कों पे, मैं भी यार अगर मुझे अगर किसी का वीडियो देखता हूँ मुझे अगर मोटिवेशन मिलता है तो मैं वीडियो जरूर लाइक करता हूँ, यार इतना मेहनत करके बंदे वीडियो बना रहा है, 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा, पता क्यों नहीं आ रहा, बिजी था मैं, पैनल इंस्पेक्शन हो रहा था, सब पूरा टीम आया हुआ था, वही अब एक बात बताइएगा कि उसमें जो इंसान लगा हुआ है तो कैसे वीडियो बनाएगा, अभी 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया, शाम को आपने देखा भी होगा 2 दिन से वीडियो में उन्होंने कल शाम को वीडियो थे, इतना बिजी था, आदमी नौकरी कर लेगा जॉब कर ले दोनों में एक काम हो पाएगा, पर मैं दोनों काम साथ करता हूँ है ना, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भैया लाइक ही नहीं करते क्या, ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी आने वाली, पैट नहीं लगेगा, लोक सेवा आयोग से अगर विज्ञापन निकाला जाएगा तो पैट क्लर्क भर्ती में नहीं लगेगा, और अभी कोर्ट केस चल रहा था, प्रबंध तंत्र के द्वारा ही भर्ती कराई जाएगी, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है, अधिकारी लोग भी कह रहे हैं कि यार पहले से भर्ती होती आ रही, सरकार ने वो लगा दिया है ना, और ये फैसला जो है कोर्ट अगर फैसला करेगी तो वो अभ्यर्थी के पक्ष में ही करेगी, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट के पक्ष में करेगी, जो भी अपडेट मिलेगी आपको मैं समय समय पर देता रहूँगा। और चैनल भाई अगर नहीं है ना तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कोई आप इन्फॉर्मेशन की भर्ती आपके से निकलना जाए, कोई सूचना है आपका छोड़ना जाए है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।